आज हम एडोब फोटोशॉप पे सीखेंगे लेयर्स कैसे वर्क किया जा सकता है विद लेयर्स। मैं अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करता हूं, रन मेन्यू ओपन हो जाता है और इस रन मेन्यू में मैं यहां पे लिखता हूं फोटोशॉप। फोटोशॉप लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं तो एडोब फोटोशॉप ओपन हो जाता है। एडोब फोटोशॉप में यहाँ से ये लेयर भी ओपन हुए हैं। लेयर का मतलब ये है कि किसी अलमारी के मुख्तलिफ खाने होते हैं, जैसे तो किसी में पैसे पड़े होते हैं, किसी में सामान पड़ा हुआ होता है, या किसी में कोई चीज़ें पेन बुक्स वगैरह पड़े होते हैं। इस तरह अलमारी के लॉकर से या दराज कह लें उनको, मिसाल लेयर का मिसाल ऐसे है एडोब फोटोशॉप में। फोटोशॉप के ये टूल्स हैं, इन टूल्स से हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे लेयर को कि लेयर में से कैसे काम किया जा सकता है। मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा है, उसमें कुछ पिक्चर्स हैं। मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर ओपन करता हूँ। मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ। इस पिक्चर को ओपन करने के बाद ये देखें, मैंने इस पिक्चर को ओपन कर लिया। ओपन कर देने के बाद देखें कि ये ही पिक्चर लेयर में भी यहाँ पे शो हो गई। ये लेयर लॉक्ड है, इस लेयर का लॉक अगर ख़त्म करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके करें तो लेयर का लॉक ख़त्म हो गया, यानी एक लेयर रह गया। यानी ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर एक ही पिक्चर है तो लेयर भी एक होगा। अगर इसमें मैं कोई और चीज बनाता हूँ, जैसे मैं नेम लिखता हूँ इसमें यहाँ पर, तो मैं टी टूल बार में से टी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो राइटिंग के लिए जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक लेयर बन जाता है। अब यहाँ पर लेयर वन आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि ये लेयर राइटिंग का है, उसका नेम डायरेक्ट जो है वो टी में आ गया। तो मैं यहाँ से राइटिंग की साइज बढ़ा सकता हूँ 48 साइज की, और मैं इसमें नेम लिखना चाहता हूँ NAIMATULLH नेम अतुला। नेम लिखा, नेम लिखने के बाद टूल बार में से मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ मैं। इस टूल का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों लेयर का ये होता है कि अब देखें कि यहाँ पे दो लेयर है। अगर मैं इस लेयर को, टेक्स्ट वाले लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसमें नेमतुल्ला लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर लिया मैंने ये लेयर, अब मैं जो भी वर्क करूँगा वो इसी नेम पे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं जो भी टास्क यानी जो भी काम करूंगा, कलर चेंज करूंगा, साइज करूंगा, तो इस लेयर की साइज चेंज होगी जिसमें पिक्चर है। और इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करता हूं तो फ्री ट्रांसफॉर्म ये सिलेक्शन आ जाती है। फ्री ट्रांसफॉर्म से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें कॉर्नर पे मैंने रखा तो डबल पेसेज एरो आ गया। अब मैं इस नेम की साइज बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये मैंने इसकी साइज बढ़ाई, ये देखें, और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये नेम की साइज बढ़ गई यहाँ पर। अब देखें मैं मूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेयर ये सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर वाला लेयर सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और मैं नेम को मूव करना चाहूँ तो मैं मूव नहीं कर सकता, मूव पिक्चर होगी क्योंकि लेयर पिक्चर का सिलेक्ट है। जो लेयर सेलेक्ट होगा, जो भी वर्क करेंगे वो उसी लेयर में होगा, यानी उस लेयर में अगर तस्वीर है, अगर टेक्स्ट है, जो कुछ है वो उसी पे वर्क होगा। मैं यहाँ से नेम वाला लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, यानी पिक्चर मूव नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह मैंने नेम वाला लेयर सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस करता हूं तो फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाता है और यहां से मैं इसकी साइज कम कर देता हूं। ये देखें मैंने नेम की साइज कम कर ली। उसके बाद ये सिलेक्शन खत्म ऐसे होगी
कि या तो आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करें, सिलेक्शन खत्म होगी, या फिर अगर ये सिलेक्शन मौजूद है जो हम शॉर्टकट की कंट्रोल टी से लेकर आते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, अगर आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्शन खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह लेयर्स में काम किया जा सकता है। अब देखें कि यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है ये किसी लेयर को डिलीट करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये देखें, नेम वाला लेयर सिलेक्ट है, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ तो ये लेयर डिलीट हो जाएगा, अब एक लेयर रह गया। और अगर मैं डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहूँ, इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करता हूँ तो एक और लेयर आ गया। यानी दो लेयर हैं, दो तस्वीरें हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले लेयर में जो पिक्चर है उसकी साइज कम करना चाहता हूँ तो साइज कम करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाता है और यहाँ से कॉर्नर से आके मैं एक लेयर की साइज कम कर रहा हूँ। और इस लेयर को मैं मूव भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ मूव करके ले आया और मैं अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करता हूँ, ये इंटर की मैंने प्रेस की, ठीक है। इसी तरह जो है अब देखें कि यहाँ पे भी दो ही लेयर शो हो रहे हैं, ठीक है। एक में ये छोटी पिक्चर है, दूसरे में बड़ी है। अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ तो इस लेयर में, लेयर जीरो में जो पिक्चर होगी वो ही मूव होगी। अगर मैं लेयर जीरो कॉपी वाला है, लेयर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेयर में जो नेम लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे मैं इसको नेम देना चाहता हूँ लेयर टू। यहाँ पे लेयर टू का नेम देता हूँ मैं इसको, तो लेयर टू ये हो गया, ठीक है। इसी तरह लेयर टू को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह लेयर्स में वर्क किया जा सकता है। अब लेयर टू सेलेक्ट है और इस लेयर में ये छोटी सी पिक्चर है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मैं अगर इसी का डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहता हूँ तो मैं, मुझे यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट है, मूव टूल मैं पिक्चर को ऊपर रखूंगा यहाँ पे और अपने कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करके रखूंगा। कौन सी की? अल्ट की, ALT लिखा हुआ है, अल्ट की को दबा के रखें तो, और इस पिक्चर के ऊपर जो एरो है, एरो को माउस का बटन दबा के रखें और इसको खींचें तो इससे एक और लेयर निकल आएगा, यानी डुप्लीकेट लेयर हो गया। अब यहाँ पे देखें तीन लेयर हो गए क्योंकि पिक्चर भी तीन है, ठीक है। तो इसी तरह मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ तो इस लेयर में ये पिक्चर है, इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये पिक्चर है, और सबसे नीचे वाले लेयर जीरो को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये पिक्चर है। और लेयर जीरो को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, लेयर जीरो में जो पिक्चर है उस पिक्चर का मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एम को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एम, कलर करवेज है यहाँ से, ये देखें कंट्रोल एम प्रेस किया मैंने और मैं इस पिक्चर में, इस पिक्चर को थोड़ा सा रेड करना चाहता हूँ तो रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ और इस रॉब को मैं थोड़ा सा अप करता हूँ। तो दोस्तों देखें कि यहाँ पर इस फ्रेम में तीन तस्वीरें हैं, सिर्फ एक पिक्चर का यानी एक तस्वीर का कलर चेंज हो रहा है, बाकी दोनों का नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हमने लेयर सिर्फ ये सिलेक्ट किया है, लेयर जीरो सिलेक्ट किया है, जो कलर करेंगे, जो भी वर्क करेंगे वो लेयर जीरो जीरो वाली पिक्चर का कलर चेंज होगा, दूसरी पिक्चर का कलर चेंज नहीं होगा। ओके करता हूं। अब मैं यहां पर लेयर टू सिलेक्ट करता हूं और ये आई है, इसे चेक किया जा सकता है कि कौन सा लेयर सिलेक्ट हुआ है, यानी इस आंख को क्लोज करते हैं तो इस लेयर में जो कॉन्टेंट होता है, जो पिक वगैरह होती है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मैं आई की जगह पे क्लिक करूंगा फिर आई शो हो जाएगी तो उसके लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी शो हो जाएगा। अब मैं इस लेयर टू का कलर करना चाहता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ। अब देखें मैं इस पिक्चर का कलर जो है हल्का सा ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू कलर सिलेक्ट किया और इस रॉब को ऊपर मूव करता हूँ तो ये देखें कि इस कलर का, पिक्चर का जो कलर है वो ब्लू हो रहा है।
और एक ही पिक्चर का हो रहा है क्योंकि लेयर एक ही सेलेक्ट है, जो लेयर सेलेक्ट है और उस लेयर में जो पिक्चर है उसका कलर चेंज होगा। तो इसी तरह लेयर में वर्क किया जा सकता है। अब मैं लेयर टू को डिलीट करना चाहता हूं, तो लेयर टू को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर इस बटन पे क्लिक करूंगा, यस कंफर्म करूंगा, तो ये लेयर डिलीट हो जाएगा। लेयर टू की कॉपी है, ये भी लेयर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके यस करता हूँ कंफर्म, तो वो भी लेयर जो है वो डिलीट हो गया। तो इसी तरह आप लोग लेयर्स पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इस पिक्चर की डुप्लीकेट पिक्चर बनाना चाहता हूँ, तो ये देखें कि ये मूव टूल को सेलेक्ट करें और मूव टूल पिक्चर को ऊपर ले आए, ऊपर ले आकर अल्ट की को प्रेस करें और इस पिक्चर को यूं खींचे माउस का बटन दबाकर, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकल आएगी। ये देखें, यानी उसी पिक्चर की एक और कॉपी होकर आ जाएगी। इस कॉपी की साइज करनी है तो कंट्रोल टी प्रेस करें और यहां से कॉर्नर से इसे यूं डाउन करें, तो ये इसकी साइज हो गई है। तो इसी तरह हम जो है लेयर्स पे भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, यहाँ से लेयर को डिलीट किया जा सकता है, दूसरा बटन है, यहाँ से लेयर क्रिएट किया जा सकता है। एडोब में ऐसे है कि कुछ टास्क ऐसे हैं जो टास्क करते ही ऑटोमेटिक लेयर बन जाते हैं। किसी जगह पर हमें लेयर बनाने की जरूरत होती है, अगर लेयर बनाना हो तो इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखें लेयर वन क्रिएट हो गया यहाँ पर। और किसी जगह पे जैसे टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक लेयर बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लेयर जीरो सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं नेम लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर क्लिक की, जैसे ही क्लिक की तो यहाँ पर लेयर टू जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। और मैं इसमें नेम लिखता हूँ यहाँ पे, नेम लिखने के बाद मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, मूव टूल से इस नेम को मूव किया जा सकता है और कंट्रोल टी करके मैं इसकी साइज बढ़ा रहा हूँ। साइज बढ़ाने के बाद इस नेम पे मैं स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसमें एडोब में जो है मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ स्टाइल्स है, ये देखें विंडोज में आए और मैं स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब नेम वाला लेयर सिलेक्ट है, यानी मैं जो भी वर्क करूंगा तो नेम वाले लेयर पे होगा। अब मैं यहाँ से ये स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ, देखें कि नेम का यही स्टाइल हो गया। यानी जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जो लेयर सिलेक्ट है उस लेयर के ऑब्जेक्ट पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को लेयर समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।